तुझको है मेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। यहाँ पर आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। यहाँ मेरी आंखें कैसी हैं राजा? फिर आमिर खान बोलता है कि मैम साहब आपकी आंखें मेरी टैक्सी के हेडलाइट के जैसी हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग? दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हो। दोस्तों अभी मैं हूँ इस टाइम तमिलनाडु दक्षिण भारत में, और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दो खास फिल्मों की शूटिंग लोकेशन। वैसे तो यहाँ पर जिस जगह पर मैं हूँ तो उस जगह पर काफ़ी फिल्में बनी हैं, पर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाने वाला हूँ एक तो राहुल रॉय जी की, अनु अग्रवाल जी की क्या बोलते हैं उसको, आस की मूवी, जिसका एक गाना है जाने जिगर जाने मन, तुझको है मेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। आगे जाना नहीं उसी में, हाँ जाना उसमें। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, उसका जब गाना शुरू होता है ना तो वो वाला सीन दिखाऊंगा। उसमें कहता है ना वो, तू है पागल तू है जोकर तू है हर बरजानी। मैं तो भूल गया। तो ये दो फिल्मों की शूटिंग लोकेशन हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बात बताऊं, चंदन भाई को शायद आप लोग जानते हो। चंदन भाई हमसे मिले थे सन 2019 में जौनपुर के गांव में, विजयपुर गांव में। और वैसे तो चंदन भाई मेरे पास में 2020 में भी आ गए थे वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद में अब हम लोग दोनों भाई साथ निकले हैं। अभी हमारा जो ट्रिप है वो 16-17 दिन का ट्रिप साथ में हम लोग निकले हैं। तो चंदन भाई भी वीडियो बनाते हैं, हमारे जैसे भी ब्लॉगिंग भी करते हैं, और इनकी भाषा है ना वो हमें बहुत अच्छी लगी। कौन सी थी, क्या बोलता था, भोजपुरी, क्या बोला था, रवन लोगन का रवा लोग कैसे बनी जा। नहीं नहीं वो मेरे चैनल के बारे में बताया ना तुमने कि रवा लोगन को कहतन बाड़ी। अच्छा, उस टाइम पे हाँ कि मनीष भाई लोग जाके मनीष भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करा के। अभी वो मतलब वो बन नहीं रहा, थोड़ा सा वो मजा नहीं आ रहा है ना। और देखो यहाँ का व्यू आपको मैं दिखाता हूँ, फिर इस जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखो ये है एक बांस की बनी हुई झोपड़ी, और अभी ये शायद मौसम की मार के सहा नहीं गया तो ये टूट गई है। और यहाँ का नज़ारा आप देखो, ये काफ़ी खूबसूरत और प्यारा प्यारा नज़ारा यहाँ का है। और उधर हमारे इंडिया के चारों कोने से लोग आए हुए हैं और वो पूरा उधर देख रहे हो आप, नीला आकाश दिख रहा है आपको, तो वहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही मज़े से, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस जगह का नाम, इस जगह का नाम है 9th Well, जो करीब ये आपको पड़ेगा ऊटी से करीब शायद 17-18 किलोमीटर, मतलब मैं फिक्स नहीं कह सकता, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों 15 है, हाँ 15 भी हो सकता है, पाइकरा पॉल से 6 किलोमीटर और वैसे ऊटी से 15 के आसपास है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम मनीष है, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक आज के खास वीडियो में। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो देखिएगा, मजे लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आप लोगों को लोकेशन दिखाते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों राजा हिंदुस्तानी मूवी के अंदर यहाँ से एक सीन फिल्माया जाता है जब आमिर खान करिश्मा कपूर को जन्नत दिखाने के लिए लाता है, पालन खेत दिखाने के लिए लाता है। तो आप स्क्रीनशॉट में पीछे ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं इनको देखोगे, और कुछ इस प्रकार से कैमरा एंगल किया गया था, ये आप सामने देख रहे हो। यहाँ पर क्या होता है कि बादल ही बादल होते हैं और कुछ इस प्रकार से कैमरा एंगल किया जाता है, और इधर की साइड से वो दोनों लोग आते हैं आमिर खान और करिश्मा कपूर, जब उसकी आँख बंद करके लाता है आमिर खान जन्नत दिखाने के लिए। और यहाँ पर जो आपको सामने ये जो जगह दिख रही है ना, इसमें पूरा धुंध सा हो गया था, बादल ही बादल बनाए गए थे, ये पूरा देख रहे हो। इस जगह को क्या है, पालन खेत बनाया गया था। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट में सब कुछ मैच कर सकते हो। बाकी यहाँ पर उसके बाद में क्या होता है, फिर वो दोनों आपस में बैठ कर बात करते हैं यहाँ, और आपको पीछे ये दिखेगा ये बिजली का पोल है, जो ये बिजली का पोल आप स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हो, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिर वो दोनों क्या करते हैं, यहीं कहीं पर आकर बैठ जाते हैं, कुछ इस प्रकार से सीन लिया जाता है, एक पत्थर के ऊपर बैठते हैं वो प्रॉपर, अब तो शायद वो पत्थर भी नहीं है यहाँ पर, तो बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद में वो दोनों बात करते हैं कि राजा शायद मेरे मम्मी पापा पहली बार यहीं पालन खेत में मिले हों,
फिर वो बात करते हैं कि तुम्हारी मम्मी कैसी है, फिर वो कुछ बात करते हैं ऐसे आपस में। फिर उसके बाद में आमिर खान बोलता है कि मैम साहब मुझे बात करना नहीं आता है। उसके बाद में क्या होता है कि वो उसकी तारीफ़ करने लगता है करिश्मा कपूर की। उसके बाद में करिश्मा कपूर बोलते हैं कि मेरी आँखें कैसी हैं राजा। फिर आमिर खान बोलता है कि मैम साहब आपकी आँखें मेरी टैक्सी के हेडलाइट के जैसी हैं। वो डायलॉग यहीं पर फिल्माया जाता है। मैं बाकी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हो। थोड़ा बहुत बदलाव तो हो जाता है, काफ़ी टाइम हो गए हैं फिल्म को बने, पर आपको जो पीछे दिख रहा है बिजली का पोल, ये अभी भी है यहाँ पर। और बाकी फिर यहाँ पर वो अपनी आप बीती मतलब आपस में बातें करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि आमिर खान उछलता कूदता यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मैम साहब आप सबसे खूबसूरत हो, मैम साहब आप सबसे खूबसूरत हो, पालन खेत की कसम। तो आप ये पूरा जो नज़ारा देख रहे हैं ये 9th Vale ऊटी का है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ का जो आप आसमान देखोगे तो ये एकदम आपको नीला दिखाई देगा बिल्कुल। तो आपसे एक बात और बोलूँगा, मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है मनीष ढाडोली व्लॉग्स। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप उस चैनल पे भी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आप लोगों को जैसे मैं जाता हूँ कहीं पर तो वो पूरी जगह एक्सप्लोर करता हूँ, तो वहाँ पर आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो भी मिलेंगे। और यार काफ़ी शानदार लोकेशन है, मुझे तो दिखाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में। दोस्तों गाने के अंदर एक सीन यहाँ से लिया जाता है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। तो आप यहाँ पे एक छतरी देखोगे तो पहले शायद उस छतरी का कलर अलग था, और आप ये रास्ता देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से सीन लिया जाता है। और यहाँ पर एक सीन लिया जाता है, देखो यहाँ पर आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। यहाँ पर आप ये पूरे पहाड़ मैच करना, वो हंसती रहती है करिश्मा कपूर, ये जो पहाड़ देख रहे हो आप यहीं पर, हाँ हाँ, और ये वाली जो आप पहाड़ देख रहे हो, ये वाली पहाड़ दिख रही है, ये सब आप स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हो। और यहाँ पे शायद वो जब डांस वगैरह करते हैं तो यहाँ पे शायद बकरियाँ चरती रहती है ना, बकरी वगैरह कुछ। और इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, रोड को नहीं दिखाया जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर गाने की शुरुआत यहीं से होती है तो 1 मिनट 48 सेकेंड का शायद गाना है जो यहीं पर फिल्माया जाता है पूरा। तो बाकी मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ आप देखिए, उसके बाद में हम लोग दिखाएंगे जाने जिगर जाने मन गाने की लोकेशन। तो चलिए गाने की लोकेशन दिखाते हैं जाने जिगर जाने मन की। दोस्तों आज की मूवी का जो गाना है वो यहाँ पर फिल्माया जाता है। गाने के जो वो बोल आते हैं ना, जाने जिगर जाने मन तुझको है मेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। आप पीछे जो ये पहाड़ दिख रहे हैं इनको स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो ये बिजली का पोल दिख रहा है ना, तो आप इसको मैच कर सकते हो। वो दोनों यहीं पर डांस करते रहते हैं, और अभी हम लोग इस पोल के नज़दीक भी चलने वाले हैं। ये जो आपको पोल दिख रहा है, अभी यहाँ पर शायद 2 पोल लगे हुए हैं, पहले 1 पोल था। और यहाँ पर उसके दोस्त की वैन खड़ी रहती है ऊपर, राहुल रॉय का जो दोस्त होता है उसकी वैन खड़ी रहती है इस टीले के ऊपर, और वो कुछ इशारा करता है यहाँ से। ये वाला जो बिजली का खंभा है आप ये देख रहे हो, पहले 1 खंभा था, अब यहाँ पर 2 खंभे बन गए हैं। और इधर की साइड से वो लोग आते हैं नीचे की साइड से, और यहाँ पर गाने के वो बोल होते हैं, रोकेगा हमको अब क्या जमाना, मर के भी हमको वादा निभाना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रोड है, ये जो रोड है इस रोड के उस पार शायद उनकी वैन खड़ी रहती है ऊपर टीले पर। और इसके पीछे है नीचे की साइड जो ढलान है उसमें है एक पानी का झील, ये सब दिखाए गए हैं गाने के अंदर। यहाँ पे यार ढलान काफ़ी है, हाँ इधर से देखो स्क्रीनशॉट लगाऊंगा तो आप ये पहाड़ वगैरह देखोगे तो आपको ये सारा दिखेगा। और जो नीचे का ये जहाँ पर ये लोग घूम रहे हैं तो ये भी आपको दिखेगा, ये वाला वो उधर झील है, पीछे की साइड में झील है, तो शायद उसमें उस टाइम पानी है जो नीला नीला दिखता है। और ये पौधे भी दिखते हैं जो पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, इनको भी मैं सारा स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा देखना। दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, राजा हिंदुस्तानी जान और वो सॉरी
आज की मूवी का गाना। दोस्तों यहाँ पर वैसे तो दीवाना, जिगर, आई मिलन की रात, काफ़ी फिल्मों के गाने बने हैं, पर मैं अगर स्क्रीनशॉट होगा तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, पर मेरा जो मेन था वो दो गाने दिखाना था आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखना।